प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरा बड़ा ऐलान किया मुफ्त राशन को लेकर। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है, यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना ना पड़े। पिछले साल जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था तब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान हुआ था। इसमें राशन कार्ड धारकों को तय कोटे से 5 किलो ज्यादा अनाज प्रति व्यक्ति मिलेगा और दीपावली तक ये फायदा राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। हमने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की 3 प्रमुख बातें बता दी। इन बातों को हम भाषण का ऑपरेशनल पार्ट कहते हैं, सादी भाषा में काम का हिस्सा, जिसमें बताया गया कि आने वाले समय में केंद्र सरकार क्या ठोस करने जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण में इस ऑपरेशनल पार्ट के अलावा इमेज बिल्डिंग पर भी खूब जोर था। इस दूसरे हिस्से को भी हम 3 तरह से बांट सकते हैं। पहला, प्रधानमंत्री ने कोशिश की कि उनकी कोरोना की दूसरी लहर में सरकार पर जितने इल्जाम लगे उन सब का बारी बारी जवाब दें। दूसरी बात, महामारी के हाहाकार के बीच कई बार जमीन पर सरकार गैर मौजूद दिखी। आज प्रधानमंत्री ने कई दावे करके बताने की कोशिश की कि केंद्र सरकार उस दौरान मिशन मोड में महामारी से लड़ रही थी। और तीसरी बात, जिन राज्यों में भाजपा सरकार नहीं है वो लगातार रेखांकित कर रहे थे कि केंद्र ने पहले सब कुछ अपने हाथ में रखा और बाद में सब कुछ हम पर छोड़ दिया, इससे नुकसान हुआ। इस आरोप पर भी प्रधानमंत्री ने अपना पक्ष रखा। तो क्या प्रधानमंत्री की इन बातों से उनकी सरकार और पार्टी की छवि पर लगे सवालिया निशान हट जाएंगे? आइए भाषण को माइक्रोस्कोप लेकर देखते हैं और हेडफोन लेकर सुनते हैं। अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया, सरकार के सभी तंत्र लगे, ऑक्सीजन रेल चलाई गई, एयरफोर्स के विमानों को लगाया गया, नौसेना को लगाया गया। बहुत ही कम समय में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 10 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री की बात सही है, जब मांग बढ़ी तब युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन जुटाने के प्रयास हुए। लेकिन क्या ऑक्सीजन की मांग, उसकी किल्लत, केंद्र की नीति और अमल वाली बात इतने में शुरू होकर खत्म हो सकती है? जिस तत्परता की बात प्रधानमंत्री अब कर रहे हैं उसे तथ्यों के संदर्भ के साथ देखने की जरूरत है। मार्च 2020 के महीने में मोदी सरकार ने कोरोना महामारी को आधिकारिक रूप से एक आपदा मान लिया। जल्द समझ आ गया कि कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। भारत ऑक्सीजन का बड़ा उत्पादक है, लेकिन अस्पताल में काम आने वाली मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन तब ज्यादा नहीं होता था। बावजूद इसके देश के 150 जिलों में प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट लगाने का ठेका निकालने में नरेंद्र मोदी सरकार को 7 महीने लगे। इसके बाद भी तेजी आ गई हो ऐसा नहीं है। प्लांट्स की संख्या 150 से बढ़कर 162 की गई। ये महज 201 करोड़ 58 लाख का काम था, लेकिन दूसरी लहर से पहले पूरा नहीं हो सका। जबकि दूसरी लहर आएगी ये किसी से छुपा नहीं था, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट इस तरफ इशारा कर रहे थे। 18 अप्रैल 2021 यानी जब देश भर से ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही थी, तब स्क्रोल ने एक रिपोर्ट छापी। स्क्रोल के रिपोर्टर्स ने 60 से ज्यादा ऐसे अस्पतालों को फोन किया जहां प्लांट लगने थे।
मालूम चला कि सिर्फ 11 प्लांट लगवाए हैं और उनमें भी सिर्फ 5 चल रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक प्लांट लगाने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन जब रिपोर्ट छप गई तब एक के बाद एक ट्वीट किए। इसके मुताबिक 18 अप्रैल तक 162 में से 33 प्लांट की स्थापना हो गई थी, यानी सरकार खुद मान रही थी कि महामारी की दूसरी लहर आने के बावजूद वो ज्यादातर प्लांट चालू नहीं कर पाई। सरकार ने कहा कि मई के अंत तक सभी प्लांट लग जाएंगे। रिपोर्ट आगे बताती है कि किस तरह कई प्लांट इसलिए भी नहीं लग पाए क्योंकि अस्पताल और कंपनियां झगड़ती रहीं। सरकार ने बाद में और प्लांट लगाने की घोषणा की, लेकिन तय समय में ये 162 प्लांट भी लग जाते तो 4,500 टन मेडिकल ऑक्सीजन बनाते, पर नहीं बना पाए क्योंकि ऐलान भर कर देने से ऑक्सीजन बनती नहीं। ये देखना पड़ता है कि ऑक्सीजन बनाने का प्लांट वाकई लगा कि नहीं, और ऐसा न होने पर तत्परता के दावे में ज्यादा दम नहीं रह जाता।